बच्चों, आज मैं आपका इसमें नया टॉपिक शुरू करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इसमें से काफ़ी सारा पोर्शन अब आपके कोर्स से निकाल भी दिया गया है। खासकर जो एरिया बाउंडेड दो कर्व के बीच होता था या तीन कर्व के बीच होता था, वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है। पर उसे बिल्कुल छोड़कर तो आप जो है आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उसे थोड़ा सा आपको समझा कर चलूँगा, दो चार प्रॉब्लम ऐसे ही करवा दूँगा और फिर आप अपने आप देख लेना उसे। इससे पहले मैंने आपका इंटीग्रल टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, अगर उसमें आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझे पूछ लेंगे, ठीक है। लाइव क्लास में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको आज थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखना जरा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देखो बच्चों, मान लीजिए ये आपका कोई कर्व है, ये कोई कर्व, और सपोज मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो मैंने शेड किया है, तो ये शेडेड पोर्शन किसे रिप्रेजेंट करता है, बताएंगे। सपोज ये आपका यहाँ कर्व स्टार्ट होता है, सपोज x इक्वल टू ए से और जाता है x इक्वल टू बी तक। यहाँ x कितना है बच्चों, a, और यहाँ कितना है b। तो आपका जो कर्व है वो a से और b तक। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, बताएंगे। शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट, देखो मैं सही लिखता हूँ क्या, द एरिया बाउंडेड बाई कर्व एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने इसे ऐसे डिफाइन किया, ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है ये उसे बताता है, ठीक है, शेडेड पोर्शन। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। आप कैसे कैलकुलेट करें, सपोज मैंने इसकी एक छोटी स्ट्रिप यहाँ से काट ली बच्चों, ठीक है। ये मैंने इसकी इतनी सी स्ट्रिप आपकी इसके काट ली, और इसकी मैंने ये कोई पॉइंट है कर्व के ऊपर, सपोज इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई, ठीक है। तो ये लेंथ पूरी इसकी जो ये यहाँ से यहाँ तक है कितनी है, वाई है। और सपोज ये जो स्ट्रिप है इसकी मैंने जो ब्रेथ है वो कितनी मान ली, डी एक्स। तो इस स्ट्रिप का जो रेक्टेंगुलर शेप में है इसका एरिया कितना हो जाएगा, वाई डी एक्स, ठीक है। ऐसे में इसकी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स काटता चला जाऊंगा, तो सब स्ट्रिप्स ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में इसे डिवाइड कर दूंगा और हर स्ट्रिप का एरिया निकाल कर सारे एरियाज को प्लस करूंगा, तो उसे ही आप क्या कहते हैं, इंटीग्रल। एक्चुअली लिमिट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम जो आपका टॉपिक था वो आपके कोर्स से इन्होंने हटाया, पर ये उससे आपको नहीं पता चल जाता अगर हम उसे पढ़ते तो। दिस इज द एरिया फंक्शन, ठीक है। तो हमने ये छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रिप्स इसकी काट ली और उसका हर एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया, तो एक स्ट्रिप का एरिया कितना हुआ, वाई डी एक्स। आप तो वही लगाएंगे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए तो वाई इंटू डी एक्स। और सभी स्ट्रिप्स का सम करने के लिए मैं इसे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कहाँ से, ए से बी तक। तो ये आपका एरिया हुआ कौन सा, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच, ठीक है। अब आप दूसरा देखिए इसे, सपोज ये कर्व ऐसा होता, ये लीजिए, तो अब ये शेडेड पोर्शन होता और ये किसे बताता, एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। अब आप देखो ये वाई मैंने स्टार्ट किया सी से और कहाँ तक मान लीजिए, डी तक। तो अब फिर मैं इसकी एक स्मॉल स्ट्रिप यहाँ काटूंगा,
ये वाली स्ट्रिप हो गई बच्चों, ठीक है। मैंने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए यहाँ कितने, एक्स वाई, तो ये तो एक्स हो जाता है आपका, और ये इसकी विड्थ हो जाती है, सपोज कितनी मान लो मैं डी वाई। तो ये शेडेड पोर्शन किसे बताता है, एरिया बाउंडेड बाई कर्व एंड वाई एक्सिस। तो क्या करोगे आप, छोटी स्ट्रिप का एरिया निकालोगे तो कैसे, एक्स डी वाई, और सभी स्ट्रिप का निकाल कर प्लस करोगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अब इंटीग्रेशन सी टू डी। तो अब ये आपका पोर्शन बताएगा एरिया बाउंडेड बाई कर्व एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको इसमें देखना होगा। अभी मैं आपको इसे एक एग्जांपल के उससे करा कर देखता हूँ, देखना जैसा। सपोज मैं आपसे बोलूं कि फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, सपोज ये सर्कल है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने कहा आपसे कि इस सर्कल का एरिया बताइए, तो आप तो ऑर्डिनरी अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल का एरिया कितना होता है तो आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, ए है, तो आप क्या बता देंगे ऑटोमेटिक पाई ए स्क्वायर। पर आपको ये निकालना होगा बाय द यूज ऑफ इंटीग्रल। तो कैसे निकालिएगा, एक फिगर तो छोटी सी जरूर बना लिया करो। तो जैसे ये एरिया आपका आप बताओ, तो ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इस कर्व की फिगर है, इसकी रेडियस कितनी है ए, तो ये ए जीरो और ये जीरो ए। अब मैं आपसे पूछूं कि ये शेडेड पोर्शन है और मैं इसे मान लेता हूं कि एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, या एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस, कोई सा भी आप ले सकते हो दोनों में से। अब आप एक्स के लिए देखोगे तो ये जाएगा यहाँ, सेंटर तो जीरो जीरो है, जीरो टू ए, और अगर आप देखना हो वाई एक्सिस के लिए तो जीरो टू ए ऐसे जाएंगे। तो अगर आपसे पूछें कि एरिया, अभी मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया मैं आपसे पूछता हूँ जो मैंने शेड किया, तो आपने क्या बताया मुझे, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो फार्मूला तो ये है ना वाई डी एक्स, और लिमिट आप एक्स की देखना चाहते कहाँ से, जीरो टू ए, ठीक है। तो मैंने जीरो टू ए लिमिट ली। अब आप मैं बताता हूँ इसका एरिया कैसे निकालते हैं, जीरो टू ए आपका कर्व था ये वाई डी एक्स, तो इससे वाई की वैल्यू निकालूँ मैं कितनी हुई बताऊँ, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो मैंने यहाँ पे पुटअप की वाई की वैल्यू, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या आपने ये इंटीग्रल पढ़ा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, मैंने आपको लिखवाई थी, अगर आपकी याद हो किसी के तो ये फार्मूला था इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, क्या एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये मैं यहाँ पर फार्मूला इंप्लीमेंट करूँगा, करिए एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मैंने डायरेक्ट फार्मूला ऑपरेट किया, लिमिट हो गई आपकी जीरो टू ए। अब आप देखो मैंने एक्स को यहाँ अपर लिमिट रखा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो गया, बोलो तो ये जीरो हो जाता है। जब मैं यहाँ पे एक्स को अपर लिमिट रखूँगा ए अपॉन ए वन, तो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन। अब माइनस लोअर लिमिट, अब मैं एक्स को क्या लिखूँगा, जीरो। जब मैं एक्स को यहाँ जीरो लिखूँगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, समझ रहे ना, माइनस जीरो।
और इसे मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स जीरो, ई स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स जीरो। मैंने वही किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन गया ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स। वन किसकी वैल्यू है, साइन 90 जानते हो ना, माइनस जीरो माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स। जीरो किसकी वैल्यू है, साइन जीरो की, ये भी जानते हो। तो साइन इनवर्स, साइन तो इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू, और ये तो साइन इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, साइन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो इंटू जीरो। फाइनली ये हो जाता है पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, ये इस सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया है। ठीक है, अभी अगर मैं पूछता हूँ आपसे पूरे सर्कल का एरिया, तो सर्कल में से कितने क्वाड्रेंट है, फोर क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कंप्लीट सर्कल का एरिया जो है वो क्या होगा, फोर इंटू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। देखिए जरा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू फोर इंटू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बाई सिमेट्री, तो ये बन गया फोर इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर। फोर फोर कैंसिल हो गए तो पाई ए स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी तो यही बता रहे थे ना फार्मूले से, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें रेडियस ए थी तो इसलिए पाई ए स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये प्रोसेस आप लगाएंगे तो आपका एरिया बाई यूजिंग इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा इसमें हमें एरिया निकालने के लिए एक तो शेप्स का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछने लगूं ये किसका इक्वेशन है, कौन सा कर्व है ये, आप कहेंगे जी पैराबोला, ये इसका शेप होता है, याद करो, इलेवेंथ में आपने पढ़ा था। ठीक है, और एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, ये किसका शेप है, इस वाले का शेप है, ये ऐसा ऐसे ही। एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, ये आप याद करो तो ये वाला शेप है। ठीक है, और अगर आप ये देखोगे तो ये कौन सा है, नीचे को डाउनवर्ड पहला कदम। अब देखिए जैसे ये था आपके पास ना, तो आप जानते थे ना ये इसका वर्टेक्स है, ये फोकस है, क्या होता था याद करो, ए जीरो, एक लाइन जो फोकस से निकल जाती है उसे क्या कहते थे, रेटस रेक्टम। ये सब चीज़ें आपको इलेवेंथ में मैंने पढ़ाई हुई है, आप एक बार उन्हें जरूर देखो, इनके बारे में भी जानो, खासकर ये दोनों को देखो, वन और ये वन। ठीक है, इनकी दोनों की सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फोकस क्या, लेटस रेक्टम क्या, तब हम आपको एरिया के बारे में आगे बता पाएंगे। अब जैसे देखो, एक ये था इलिप्स, इलिप्स दो टाइप के थे, एक ये था ना, ये शेप इलिप्स का, ये ए जीरो, ये जीरो भी, ये कब होता था जब ए बी से बड़ा हो, और ये भी तो इलिप्स था ना, इसमें ये आपकी मेजर एक्सिस ये इधर होती। ठीक है, तो इसमें ये आपकी मेजर एक्सिस होती, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा इसमें पता होनी चाहिए। लाइन के बारे में आप सब जानते ही हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसे कैसे ट्रेस करते थे ये आप जानते हो। एक बार आज आप शेप का पता ज़रूर कर लेंगे, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होंगी वो मुझे बताएंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।